दोस्तों, इस तरह की वीडियो आपको पूरे YouTube और Facebook पर कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं उन चीजों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखकर लाइक कर दें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत के कमाए गए पैसों का दसवां हिस्सा दान करता है, उसके सभी बुरे कर्म धीरे धीरे करके नाश होने लगता है और इसके साथ ही पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी होती है। दान देने का पुण्य फल सिर्फ दान देने वाले को ही नहीं बल्कि उसके परिवार के सभी सदस्यों को भी मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर आप सच्चे मन से दान करते हैं तो इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। आपको प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे आपके सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। लेकिन इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दान देते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन 10 चीजों के बारे में जिसे हमें दान नहीं देना चाहिए। एक, धारदार चीजें जैसे चाकू। चाकू का दान अगर आप किसी को दे रहे हैं तो इससे आपके जीवन में अशांति आती है। वही कैंची का दान करने से आपके सभी परिवार के सदस्यों के बीच में कलेश बढ़ता है। तलवार और लोहे की बानी अन्य धारदार चीजों का दान करने से आपको व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ता है और इसके साथ ही जीवन में नकारात्मकता आती है। इसलिए आप इन बताए गए चीजों का कभी भूल कर भी किसी को दान में ना दे। दो, घड़ी। अपनी घड़ी कभी किसी को न दे। घड़ी व्यक्ति के अच्छे और बुरे समय से जोड़ा जाता है। अगर आप घड़ी का दान करते हैं तो इससे आपको आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। घड़ी का आदान प्रदान करने से भी आपके जीवन में बड़ी परेशानियां आ सकती है। तीन, बासिया। खराब भोजन। हमारे घर में रात का भोजन कभी कभी बच जाता है जिसे हम कभी कभी किसी गरीब को खिला देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपके परिवार के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है और साथ ही घर में दरिद्रता आ सकती है। बासी भोजन का दान घर में बीमारी के रूप में लौट कर आता है और दानकर्ता के जीवन में भूचाल मचा देता है। इसलिए कभी भी बासी भोजन को किसी को दान ना करें, हो सके तो उसे किसी जानवर को खिला दें। चार, कंघी। अगर आप भी अपना कंघी किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके भाग्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। सिर्फ कंघी ही नहीं बल्कि सिर से जुड़ी किसी भी तरह की सामग्री भूल कर भी कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। पाँच, झाड़ू। हमारे शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए झाड़ू का दान कभी भी किसी और को नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको आर्थिक दिक्कतें और साथ ही घर में दरिद्रता आ सकती है। इसके साथ ही घर में कभी भी झाड़ू को हमेशा एक अलग स्थान पर छुपा कर रखना चाहिए। छह, दूध और दही। शाम के समय दूध और दही का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा करना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि की कमी होने लगती है। दूध और दही सफेद होते हैं जो चंद्र ग्रह से संबंधित हैं। सूर्य अस्त के बाद इनका दान करने से घर से सुख और वैभव चला जाता है। सात, इस्तेमाल किया हुआ तेल। अगर आप भी अपना इस्तेमाल किया हुआ तेल किसी और को दान में देते हैं तो आज से ही इसे बंद कर दें, क्योंकि ऐसा करने से भगवान शनिदेव नाराज हो सकते हैं और आपको उनके प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। शनि के प्रकोप से बचने के लिए कभी भी दान में इस्तेमाल किया हुआ तेल नहीं देना चाहिए। आठ, हल्दी। हमारे शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद हल्दी का दान करना अशुभ बताया गया है, खासकर गुरुवार को। इससे आपका गुरु कमजोर होता है और जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हल्दी का संबंध गुरु से माना जाता है और इसका दान करने से गुरु कमजोर हो जाता है। नौ, नमक। नमक का दान तो आपको कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आप पर शनि की मार पड़ सकती है और कर्ज में डूब सकते हैं। नमक का दान करने से शनि देव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। दस, धन। सूर्यास्त हो जाने के बाद किसी को भी धन न दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और आपके घर में दरिद्रता आ जाती है। शाम के समय धन दान करने से माता लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी होने लगती है। अब बात करते हैं दान देते समय हम किन नियमों का पालन करना चाहिए जिसकी वजह से हमें सही फल प्राप्त हो सके। हमेशा जरूरतमंद को ही दान दें, इससे ही पुण्य प्राप्त होता है। जब भी कुछ दान करें तो निस्वार्थ भाव से ही दान करें। दुखी या द्वेष भाव से किया गया दान व्यर्थ चला जाता है। श्रद्धा और सम्मान के साथ हाथ में देकर ही दान करें।
करें, जमीन पर रखकर या फेंक कर दान न दें। इससे आपको पुण्य फल नहीं मिलेगा, उल्टे पाप के भागीदार बनेंगे। इस वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो हम हमेशा आपके लिए ला सके।